नमस्कार बच्चों, व्याकरण में अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? संज्ञा और सर्वनाम। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया यानि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब, यानि एक्शन वर्ड्स। जो काम हम करते हैं उसको हम क्रिया कहेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के होने का या करने का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो क्रिया की परिभाषा नोट करो माँ। परिभाषा यानि डेफिनेशन। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा क्या है बच्चों? जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, पता चलना यानी मालूम होना, पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? जो काम हम करते हैं, एक्शन वर्ड्स, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। अब मैं आपको कुछ वाक्य उदाहरण में बताऊंगी, तब आपको इजीली समझ में आएगा। उदाहरण यानी एग्जांपल्स, उदाहरण। बताओ एक दो वर्ड। मैं यहाँ पर एक बताती, रमेश पाठशाला जा रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है? कोई बता सकता बच्चों? एक्शन वर्ड क्या है इसमें? जा रहा है। तो ये शब्द क्या है? क्रिया। दूसरा एक उदाहरण कोई बोल सकता? हाँ, सीता पुस्तक पढ़ रही है। इसमें क्या है क्रिया शब्द? पढ़ रही है। और कोई बोलो माँ, और एक उदाहरण कोई बोल रहा? हाँ, राम रोटी खा रहा है। खा रहा क्या है? क्रिया शब्द। तो देखो क्रिया शब्द, यहाँ पर एक उदाहरण वगैरह, मोहित नहा रहा है, राम ने बाँध चलाया। बाँध चलाना, चलाना क्या है? क्रिया शब्द है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, क्रिया और वाक्य दोनों आपको लिखकर बताना है। क्रिया क्या है यहाँ पर? ये लड़की, तो लड़की लिख रही है, या इसको कुछ नाम दे दीजिए। राधा लिख रही है। क्रिया क्या है यहाँ पर? लिखना। यहाँ पर क्या है? रमेश दूध पी रहा है। पी रहा क्या है? क्रिया शब्द है। सीता सो रही है। रही है क्या है? क्रिया है। गुड़िया खेल रही है। खेल रही क्या है? क्रिया शब्द है। तो इस चित्र को देखकर आप वाक्य बनाओ और पोस्ट करिए।